केशव जी, अब जरा ये समझा दीजिए, क्या ये कद की लड़ाई तो नहीं है केशव देव मौर्य और स्वामी प्रसाद मौर्य के बीच में? आप ये तो नहीं कह रहे हैं कि उनके आने के बाद आपकी अनदेखी कर दी गठबंधन में और आप उस हार का ठीकरा अपने ऊपर नहीं फोड़ना चाहते हैं, नहीं लेना चाहते हैं उस हार का दंश? नहीं, मैं जो हार हुई है समाजवादी पार्टी गठबंधन के, उसका मैं अपने ऊपर ही ले रहा हूँ। मैंने कहा, मैंने बयान में कहा कि मुझे इस बात का दुख है कि महान दल के जो संगठन का वोट था, महान दल समर्थकों का जो वोट था, उसका मैं 25% वोट भी समाजवादी पार्टी को नहीं दिला पाया। मैं अपने ऊपर ही ले रहा हूँ, मैं समाजवादी पार्टी ब्लेम नहीं। यानी आप मान रहे हैं आपका फेलियर है, आपका फेलियर है, ये मान रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल मैं मान रहा हूँ, लेकिन उसमें कारण ये है, प्रत्याशियों ने जब कोई हमारा तवज्जो नहीं दिया, प्रत्याशियों ने हमारे महान दल के कार्यकर्ताओं का इस्तेमाल ही नहीं किया, तो मैं अकेले क्या कर सकता था? हाँ, वोट समाजवादी पार्टी में जो मुस्लिम और यादव जो माना जा रहा था वोट, वो गया। और रही स्वामी प्रसाद मौर्य जी की मामले में कोई वर्चस्व की बात नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य को भारतीय जनता पार्टी ने स्ट्रेटजिक रूप में भेजा था। मैंने कहा हो भी सकता है कि कहीं उन्हें लगा हो, भारतीय जनता पार्टी के लोग मेरे पास भी आए थे चुनाव के पहले, जब साइफाई में कार्यक्रम हुआ जनाक्रोश यात्रा का समापन, सफल समापन जिसमें लाखों लोग पहुंचे महान दल के समर्थक, तो भारतीय जनता पार्टी कई नेता मेरे पास आए, बड़े नेता आए, मैं नाम नहीं लूंगा चैनल, उन्होंने मुझसे बड़े बड़े मेरे पास ऑफर दिए। उन्हें ये डर था कि जो 2017 में साक्ष्य सैनी कुशवाहा मौर्य, इस बात का जवाब देखिए हीरो वाजपेयी साहब देंगे केशव देव मौर्य जी, लेकिन ऐसा क्यों कहा जा रहा है आपके बारे में कि ऊंची दुकान फीके पकवान? आप तो ये कह रहे थे कि आप सभी सब्जेक्ट्स में पास हो जाएंगे, लेकिन एक भी सब्जेक्ट में पास नहीं हो पाए जब रिजल्ट सामने आ गए। तो ऐसा है कि मैं जो कह, मैं जैसे अभी मेरे ऊपर बीजेपी प्रवक्ता लगाया कि आरोप परिवारवाद का, इनके यहाँ परिवारवाद नहीं, इनके यहाँ राजनाथ सिंह जी के बेटे लड़े तो परिवारवाद नहीं, जब स्वामी प्रसाद मौर्य जी इनकी पार्टी में थे उनकी पुत्री सांसद लड़ी तो वो परिवारवाद नहीं, ये सब जब ये मंत्री चुनाव से पहले जब इन्होंने केंद्र में मंत्रियों का गठन किया, इन्होंने पर जाति देख के गठन किया कि हमने इस जाति को, और इन्होंने टीवी चैनल पर बड़े गर्व से कहा कि हमने इस जाति को तवज्जो दी, ये खाली चुनाव के बाद बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं। ये सच है कि कोरोना काल में इनकी फेलोर रही, कोरोना काल में इन्होंने शराब की दुकान खुली रहे, कोरोना नहीं फैलता। ठीक है केशव देव मौर्य जी, या तो मान लीजिए कि पूरी तरीके से आप ही का फेलियर था, या फिर आप सीधे तौर पर ठीकरा फोड़ दीजिए स्वामी प्रसाद मौर्य पर, ये बीच में आप जो अटके हुए नजर आ रहे हैं ये समझ से परे। बहरहाल आपके पास मैं लौटूंगी हीरो वाजपेयी जी, आपसे भी मैं जवाब लूंगी। अनुभव आप भी हमारे साथ बने रहिएगा।